ये बाबा हैं और 1.5-2 साल से पैरालिसिस है इनको, और देखो यहीं पेशाब करते हैं, क्या हालत इनकी हो गई है ये खुद जानते होंगे अपनी किस हालत में अपनी ये ज़िंदगी इस वक्त जी रहे हैं। 2 बेटे हैं, 1 बेटे को दिखता नहीं, तो यही ज़िंदगी है, बस यहीं पड़े रहते हो, यहीं जीना है, बस ये गोली के सहारे जी रहे हो एक हैं। पेशाब नहीं आता, पेशाब नहीं आता आपका तो बच्चे बच्चे कदर कर रहे, नहीं कर रहे? घर वाले मर गए। अच्छा, घर वाले का इंतकाल हो गया? जी बोलो, कौन देगा? कोई ना, दादी करती तो की नहीं चला, एक ऊपर है। जी जी जी। अच्छा, 2 बच्चों की शादी कर दी, एक नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है। लेकिन माज करते कदर तो करते होंगे ना, खाना वाना तो सब टाइम खाने से तो उठेगा बोला, खाना दे तो कहा वो बैठे कोई दे देगा रोटी। जी जी। अल्लाह नाम की करन नाम भाई। करन नाम मेरी 5-5 रुपये मांग लो। 5-5 रुपये मांगते हो? अब बिली बिली बाजी ले लू। जी जी। कोई ना देखता। इतने पैसे नहीं होते कि अपने एक बंडल खरीद सको अपने पास से। कैसे मदद करें इनकी? भाई ये भी अपने इलाज के लिए कह रहे हैं। नहीं, इलाज के लिए तो है, लेकिन भाई मसला क्या है ना, अब बैठे मसला ही क्या है, इनको कौन लेके जाएगा? भाई हमारी कोई संस्था तो है नहीं चैरिटी, भाई मैं एम्बुलेंस में इनको डाल के ले जाऊंगा। हम तो इनको फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। जी। ठीक है ना। जी। मसला है कि इनको ले के जाना, एक इनके साथ में एक जिम्मेदार आदमी चाहिए। वो असल में मैंने इनको इस वजह से दिखवाया था जी कि एक तो वो लड़की हमारी जी, एक चच्चा हमारे और एक हमारा इनका लड़का जो हमारा भैया जो आँखों से अंधा है, ये तीनों को जो है एक साथ ही दिखा देते उस अस्पताल में जहाँ बदला रहे थे। ये भी वही हो जाएगा इनका, जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इबास में जी जी। आप इबास में ही इनको गाड़ी में लेके जाना जी जी। कार में करके जी, ठीक है ना, अपनी बेटी को भी जी, और इन्हें भी, और हो सकता है कि इनका वहाँ से इलाज चल जाए जी। जाऊंगा नीचे जी, नीचे जाएंगे जाऊंगा खिचड़ के चलते। आ जाओ आ जाओ। तो सोते कहाँ हो बाबा? नीचे जाऊँ, नीचे नीचे घूम जाओ इधर को। एक बड़े जाने एक ना बोल लगी, बड़े जाने बोल लगी। जी जी। देने होते करे ये मुझे घंटा में खड़ा होता हूँ। एक मेरे हो जाते थे, मैं तो देता होता हूँ, खड़ा होता हूँ, खड़ा करते हूँ। हाली नौ तरह सबके आते जरा में हाथ दर्द का सबके ऊपर गति का कपड़ा देना कोई। भाऊ जी अभी हम ये कर रहे हैं आपके लिए कि ये जो भाई है ना, इनकी इनकी भतीजी भी है एक भांजी, तो उनको अस्पताल लेके जाएंगे, तो उसी गाड़ी में फिर आपको भी लेके जाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो आप एक बार देखो, ये बहुत बड़ा माल है भाई। जी, जी, जी। ये मत सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, इनको हगीज बांध के ले जाना, पेशाब की दिक्कत हो तो नली लगवा लेना इनको। जी, जी। एक बार दिखाओ, स्पेशल गाड़ी करके ले जाओ आप। ठीक है ना। गाड़ी का जो किराया होगा वो दोनों आप दोनों कर लेंगे, हम देंगे आपको गाड़ी का किराया। बाबा परेशान क्यों हो रहे हो? गाड़ी का भी देंगे और दवाई का भी देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान हो अंदर से, मुझे पता है ना, अंदर से दिल रो रहा है तुम्हारा, परेशान हो जिस औलाद को इतना पाला। बाबा सुनो, ये समझ नहीं पा रहे, ये ना ये समझ नहीं पा रहे कि आप क्या हो, जिस औलाद ने
जीत जी परेशान ना हो। देखो ठीक करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है ना, तो उससे मांगो। किससे मांगोगे? अल्लाह से। मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ इन्हें। मैं रोना नहीं है। रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैं भी तो बेटा हूं ना तुम्हारा। बाबूजी इधर देखो, मैं इधर, मैं बेटा हूं ना तुम्हारा। अल्लाह जब एक रास्ते बंद करता है ना तो दूसरा खोलता है। लो तुमने कितने मांगे थे? 5 मांगे थे ना, ये 5 ही जा रहे हैं। लो भाऊजी हिम्मत नहीं हारनी कभी भी, ठीक है ना। अल्लाह जिस भी हालत में रखे, वो परेशानी में रखे, वो तंगदस्ती में रखे, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह मिलने के लिए। भाऊजी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। पैसा मिल गया ना, इंशाल्लाह अल्लाह और भेजेगा, मदद भेजेगा आपकी, परेशान ना हो। उम्र के जिस पड़ाव में एक बाप को ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, देखा आपने किस तरह से वो बाप किस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया बच्चों ने। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं कैमरा नहीं चलाइए, कैमरा मत चलाइए। बाप कह रहा था कैमरा चलाइए, मुझे दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि मैं किस हालात में अभी जी रहा हूँ। तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है और ज़िम्मेदारी दी है उन बाबा को कि उनको अस्पताल ले जाया जाए, अस्पताल में दिखाया जाए। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि इस वक्त में उनको आपकी बेहद ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके दिल को कहीं भी छूती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस सिलसिला खिदमत का सिलसिला हमेशा चलता रहे और कभी बंद ना हो तो आप हमें दिए गए अकाउंट नंबर पर आप मदद भी भेज सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आगे अपनी खिदमत पहुँचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।